सीन आने वाले हैं हमें खुद भी नहीं पता कि क्या सीन आने वाले हैं, हम वेट कर रहे हैं, बैकअप का वेट कर रहे हैं। हम वेट करते रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। ऐसे पवित्र रिश्ता में काफी ट्विस्ट आते रहते हैं, तो कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, ट्विस्ट्स हैं, उनके बारे में बोला नहीं जाता, तभी ट्विस्टेड लगते हैं वो। गरीब है, खाना खाने बहुत जाते हैं। आज हमने मस्ती की, हम मस्ती करने आते हैं आजकल शूट पे। हम नहीं, तुम मस्ती करने, क्योंकि आजकल मेरा ज्यादा रोल होता नहीं है, ट्विस्टेड हो गई है मेरा जो स्क्रिप्ट आती है, सब ट्विस्टेड हो गई है, तो मैं बच्चों की चोटियां बना रहा हूँ। जो बच्चे भी नहीं आ रहे आजकल, जो बच्चे भी नहीं आ रहे, मैं काम करने आती हूँ, मैं पूरा दिन बहुत काम करती हूँ, जब से आई हूँ मैं बहुत काम कर रही हूँ। आप किस तरह का काम करते हो? एक्टिंग कर रही हूँ यार, और क्या काम करूँगी? और क्या काम, एक्टिंग कर रही हूँ, यही मेरा काम और यही मेरा नाम। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्लीज हमको, प्लीज हमको देखो, बहुत सारा प्यार दो, और प्यार इसको तो मुझे बहुत सारा पसंद करो। हाँ, लड़कियां तो प्यार दो, बाकी सब देखो बस। बड़ा क्यूट सा है। तो आपकी आगे के सीन के बारे में बताइए। आगे के सीन्स के बारे में ये है कि मैं एक सीन में जाता हूँ जहाँ मानसी से पूछता हूँ कि क्या हो रहा है, तो एकता फोन करती कहती है पता नहीं, बाद में बताएंगे। और कुछ आप बताना चाहेंगे ट्विस्ट्स के बारे में पवित्र रिश्ता? अभी फिलहाल तो ये चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानसी का रेप हुआ, फिर कोर्ट सीक्वेंसेस हो रहे हैं, अब देखते हैं कि उसमें हम क्या होता है, हम कोर्ट सीन जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, बट मोस्टली आई थिंक मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, अंकिता सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग ये केस शायद जीत जाएंगे और मानसी शायद इनोसेंट साबित हो सकती है। अच्छा, तो आज शूटिंग क्या किया? अंकिता जी और आपकी केमिस्ट्री से, हाँ केमिस्ट्री, हाँ किस तरह की केमिस्ट्री? उसकी और मेरी केमिस्ट्री ये कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मुझसे प्यार नहीं करती है, और हम दोनों लाइक करते हैं दूसरे को पर लाइक नहीं करते हैं, और जो 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 ये नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है कि बाहर हम किसी को पसंद करते हैं नहीं पसंद करते पता नहीं चलता, तो वैसी एक अच्छी सी स्टार्टेड इन्फैक्चुएशन लव स्टोरी शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद में करण मेहरा एंटर करते हैं नरेन कर मार कर, और फिर बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्रोमाइज वो उससे शादी कर लेती है, बट देयर वाज अ गुड लव स्टोरी बिटवीन अस। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कीप वॉचिंग पवित्र रिश्ता, इट्स रियली बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर हियर, थैंक यू सो मच। एक और करो, वो बजाना मत, कुछ भी बजाना मत, वॉइस साउंड मत दो, साउंड मत देना यार, रेडी सर, रोलिंग, साउंड मत दे। आज
के चेयर ना जैसे जैसे सीक्वेंस के बारे में बताइए। सीक्वेंस अभी मैंने आना जो अंकिता है उनको घर से निकाला है क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं दे रही प्रेस वालों के सामने। आपके जैसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं मेरी पार्टी में जो रौनक का बर्थडे पार्टी चल रही है, सो आई पुश हर आउट बिकॉज शी इज नॉट गिविंग अ स्टेटमेंट के रौनक बेकसूर है और वो नहीं देती है, तो मैं गुस्सा होकर घर से निकाल देता हूँ। एंड देन आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड कि पार्टी खत्म नहीं हो सकती, हम डांस करूंगा मैं, लेट्स पार्टी। सो मैनी बैलून्स, कैन यू सी सो मैनी बैलून्स हियर जो मैंने लगवाए हैं और उनके लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ। और ही इज आउट ऑफ जेल नाउ, तो मैंने अरेंज कराया, मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जो लॉयर था उसने उसको छुड़वाया है, सो दैट्स अ बिग बर्थडे गिफ्ट। मैं खुद एक ट्विस्ट हूँ, मतलब मुझे लगता है एज अ कैरेक्टर जो दिया है मेरे को नरेन का, इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर विच इज बाइपोलर, तो ऐसे कैरेक्टर होते ही नहीं है देखने को, और देखते अगर रियल लाइफ में तो हम देखते रहते हैं थोड़ी देर की ये पागल है पागल है, सो दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विच इन द बिगनिंग आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज जनरली इट माइट जस्ट फॉल फ्लैट कि भाई क्या कर रहा है यार ये, ऐसे हो जाता तो, बट आई एम यू नो बहुत प्रचलित हो गया है, वेरी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, थैंक यू, तो मजा आ रहा है इसलिए। सिमिलैरिटी, मैं मस्ती खोर हूँ बहुत, तो वो कैरेक्टर भी मस्ती खोर है, कुछ भी कर लेता है, तो मैं वैसे भी मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत वैसे ही हूँ। कोई ऐसी मस्ती शेयर करना चाहेंगे आप? यू विल सी इट, आप कैमरा पैन करते रहो, मैं कुछ ना कुछ वैसे भी करता ही रहता हूँ, सो एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग। और कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, थैंक यू। बर्थडे पार्टी इज फन, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, मैं तो बहुत डर के आया था, मुझे लगा कि मेरे भाई को सब पता चल गया, बट देखा तो मेरा भाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है, शैंपेन की बॉटल, केक, मेरी भाभी अचानक मुझे माफ करके आ गई, सुपर सुपर फन। मेरी एक्सपेक्टेशन एक ही थी कि मेरा प्लान था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपने भाई के हाथों अपनी भाभी को बाहर फेंकवा दूँ, एंड दैट हैपेंड बिकॉज़ आई एम रौनक, व्हाटएवर आई प्लान आई जस्ट डू इट। Because she doesn't belong to our class, you know. वो चौल में रहने वाली लड़की है, का we are karmakars, you know, we have a standard. कहाँ ऐसे, I just cannot accept anyone in the house. कुछ आपकी personal life, like personal में और on screen में क्या difference है? बिल्कुल different है, मतलब मैं ऐसा हूँ ही नहीं बिल्कुल, वैसे मैं रंजीत हूँ और who is a very positive guy and very positive guy. और ये तो बिल्कुल, but this guy also Ronak, it is, he's a negative guy, वो धीरे धीरे होता गया, but there's a lot of story behind it कि क्या character था, कैसे हुआ, क्या हुआ, but अभी उसने बहुत गलत काम किया और as Ranjit he should, Ronak should be punished, but as Ronak, Ronak should never be punished, yeah whatever he did was fun. डांस, आई ऑलवेज लव डांसिंग, इससे पहले मेरा और किन्नरी का जब हमारी शादी होने वाली थी तो संगीत का डांस था जिसपे वी डिड अ डांस नंबर ऑन क्या करूँ लेडीज आई थिंक सम रणवीर सिंह सॉन्ग, सो आई लव डांसिंग, ये वो दिस वॉज वेरी गुड, वो दो तीन घंटे पहले पता चला एंड देन यू कम हेयर ऑल बिल्कुल रेंडेवू होता है, इट वॉज फन एंड यू कैन सी। व्यूअर्स प्लीज लव मी and hate Ronak. Okay, thank you.